अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हम ना शुगर की मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये स्नेहास रात में फ्री दी जाएगी कोई 25-30 को 40 दोस्तों को, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये देखें, हमें हम 3x3 का गड़ा निकाल के इसमें आग देंगे, कम से कम 4 मन ओपलों की आग देंगे इसमें। तो नुस्खा भी शेयर नहीं करेंगे, दवाई फ्री देंगे, लोग खाएँ और रिज़ल्ट दें। जी गुलाम नबी भाई जी, उस्ताद हाँ जी, ये देख लें जी, तरीका बता रहे हैं आपको गड़े की आग देने का। ओपले कैसे चुने हैं हमने, हाँ जी, इसी तरीके से इसको ना 2 मन 2.5 मन की आग आएगी, तकरीबन ज्यादा ही हो जाएगी 2.5 मन से। हाँ जी, अब चिन के आग लगा के फिर आपको बताते हैं। 2 आगें देंगे, एक आग ये देंगे, एक वर्किया बनाएंगे 12 किलो की, उसमें ये गड़ा निकाला है 12 किलो ओपले की आग की, वो भी बताते हैं आपको। ये बाद चो कहीं ना छोड़ दो, ये तकरीबन 2.5-3 माह के राउंड बाउंड आग हुई है जी। साडा तो पारा 3 मन की अग चो नहीं जाता इंशाल्लाह ताला, वह भी सेंटर की चो। की ख्याल है गुलाम नबी? बिल्कुल, उद्दू भी तो निकलनी है ना करी, ਪਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾ ਲੋੜੀ ਐ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਲੜ ਜਣੀ ਕੁਛ ਅਗੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਤੇ ਲੜੀ ਬਰਮਸਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਉਹ ਅਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਾਥੀ ਲੜੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਲਾਣੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਗਦੇ ਆਮ ਨਬੀ ਭਾਈ ਆਪ ਦੇਣੇ ਲਗੇ ਹੀ ਆਗ ਅਕਸੀਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋ ਅਕਸੀਰੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ये तकरीबन 2.5 मन से ऊपर आ गया जी। ये होता है 3x3 का गड़ा, इधर सुटना, इधर सुटा कल मिट्टी ना जावे बिच। छापर उड़न दे यार, छोड़ दे बिच दिल्ली, थले मिट्टी का तेल है, थले काम पाक गया ना, काम शुरू होना पाखदा पे काम हो। जी ये हम वर्किया बना रहे हैं, इसे अभी आग दी है 12 किलो ओपलों की आग दी, तकरीबन 15 किलो ओपलों की। ये भी नबाताती वर्किया है जी, बूटी में भर रही है और वो चल रही है आग 1.5 मन की, 1.5 मन कितनी 2.5 मन, 2.5 मन से ज्यादा है। अभी ना इसे आग दी, अभी आग देकर हटे हैं गड़े की। अब गुलाम नबी भाई नुस्खा भला बोलेंगे। अस्सलामुअलैकुम बाबा चौधरी मन के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम, और बिलखसूस मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अजीम मोहसिन अजीम बाबा जी नीम अदर साहब को मेरी तरफ से मौत पाना आजिदाना सलाम। व्यूअर मैं आज आपके लिए दांतों का मंजन का नुस्खा बताने लगा हूँ। ये ऐसा बाकमाल मंजन है कि जिनके दांत हिलते हों, कोई चीज़ खाते वक्त दांतों से खून आता हो, या दांतों को कीड़ा लग गया हो, दांतों से रेशा आता हो, पायरिया वगैरह के लिए मांस खोरा के लिए बहुत लाजवाब है, दांतों को खूब चमकाता है, उसका नोट फरमा लें। आपने लेनी है 100 ग्राम सफ़ेद फड़कड़ी, 1 ग्राम नीला थोथा, 35 ग्राम लौंग देसी, लौंग देसी पीस कर अलग रख लें,
फड़कड़ी को बारीक करके तवे पे डालकर बढ़िया करें। जब वो पानी बन जाए तो 1 ग्राम नीला पीस कर जहाँ जहाँ से पानी बने वहाँ वहाँ पर डाल दें। जब फड़कड़ी बढ़िया हो जाए तो उसको निकाल कर पीस लें और लौंग उसमें मिक्स कर दें। लौंग मिक्स करने के बाद 1 ग्राम सात पुदीना इसमें खरल कर दें। लो जी, आपका मंजन तैयार है। सुबह उठकर उंगली से दांतों पे मलें और रात को सोने से पहले दांतों पे मलें। 2-3 दिन मलने से आपके दांतों से खून आना बंद हो जाएगा। दुआओं में याद रखें मेरे उस्ताद मोहतरम को भी और मुझको भी। वास्सलाम। अच्छा गुलाम नबी भाई, हम जो शुगर की दवाई बना रहे हैं, ये शुगर की दवाई बन रही है, ये कीमिया का एक अमल हो रहा है जी जी, वो शुगर की दवाई का क्या तासर है आपके जेहन में जो हमने उधर? उस्ताद मोहतरम, मेरे ख्याल में वो शुगर की दवाई ऐसी है कि 3 दिन में लब लबे को ना कुदरती इंसुलिन पैदा करने के काबिल बना देगी और तमाम जिंदगी को शुगर की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं रहेगी, कंट्रोल रहेगी शुगर, यानी कि लब लबा पिंक्रियाज पूरे वर्क शुरू कर देगा। बिल्कुल, पूरे वर्क शुरू कर देगा और शुगर अपनी अतदाल पे रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये हम इंशाल्लाह मुल्तान व गोजरा जी जी गुजर खान स्नेहास रात में हम तकरीबन कोई जितना हो सका 25-30-40 मरीजों को फ्री दवाई देंगे। जी जी, तो दुआओं में याद रखे आपका दोस्त कीम बाबा नईम हैदर। वस्सलाम।